तावीज़ के पैसे जायज़ तो हैं, लेकिन कादरिया सिलसिले में, हमारे सिलसिले में, आला हज़रत के सिलसिले में ये मना है, मायूब है, और अवामी तौर पर भी मायूब है ये। अच्छा, ये लोग जो तावीज़ात लेने के पैसे दे आते हैं, फिर बड़बड़ाहट भी करते हैं, पैसे लेता है, तो इसलिए भी नहीं लेना चाहिए। एक तादाद मिलेगी बाबा जियों की कि जिनका गुजर बसर इसी पर होता है, तावीज़ात पर जी, तो इनको मेरा मशवरा है कि कोई और रोज़गार करना चाहिए और तावीज़ात फी सबीलिल्लाह देना चाहिए। इसमें लोगों के दिलों में आपकी इज्जत भी बैठेगी और फ़ायदा भी इंशाल्लाह ज़्यादा होगा। जिसका अमल हो बेगरज, उसकी जजा कुछ और है। आला हज़रत की बारगाह में किसी ने एक बर्फ़ी की कोरी हांडी पेश की, हांडी में बर्फ़ी जमती होगी उन दिनों, तो आला हज़रत ने दो तीन बार उससे पूछा, कोई काम, कोई मकसद, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं हुजूर, ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ हूँ, नजराना है। आपने अंदर भेज दिया। फिर उसने अर्ज़ किया, हुजूर तावीज़? तो आपने शातर में तो पहले हांडी आवाज़ दी, हांडी पेश की, वापस दी उसको कि हमारे यहाँ तावीज़ भी दिया उसको, ये लो तावीज़, हमारे यहाँ तावीज़ बिकता नहीं है, जब मैंने पहले ही आपसे पूछ लिया था। वाह वाह वाह, ये हमारे सिलसिले में, आला हज़रत के सिलसिले में इतनी सख्ती इस मामले में, तो वाकई तो यूँ ही तो आला हज़रत के गुण नहीं गाते ना हम यार। आला हज़रत तो आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान, क्या बात, की बरकतें हम सबको अल्लाह नसीब फरमाए।